Good morning, my dear students. Welcome to Target IES. So my name is Akanksh Vashisht and I have cleared Engineering Services Examination 2019 with All India Rank 20. So till the last video, we have completed two problems, right? और आई होप आपने प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट किया होगा अच्छे से और आपका आंसर सही भी आया होगा, ठीक है। सो माय डियर, मेरी आपसे लोगों को एक रिक्वेस्ट है, जब भी मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम करिए, कुछ भी करिए, सो वेन एवर आई शो द प्रॉब्लम ना, पॉज फॉर द वीडियो फॉर अ वाइल एंड राइट द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट एज वेल, ओके, बाय पॉजिंग द वीडियो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल मी टू पॉज, ओके, बिकॉज अदरवाइज टाइम स्ट्रेच हो जाएगा। सो प्लीज अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, द मोर द प्रॉब्लम्स यू विल अटेम्प्ट ना, द मोर परफेक्ट यू विल बी एंड यू विल रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एज वेल, फाइन। तो ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें, सिर्फ कॉपी करने में मत विश्वास रखें, फाइन। सो प्लीज डोंट जस्ट कॉपी, प्लीज फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम एंड देन चेक कि हम प्रॉब्लम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कहां गलती हो रही है हमसे। नाउ लेट्स कंटिन्यू द प्रॉब्लम्स, एज आई टोल्ड यू दैट इन द लास्ट वीडियो वी कंटिन्यू आवर प्रॉब्लम्स, राइट। वी हैव डन टू प्रॉब्लम्स, थ्री मोर प्रॉब्लम्स टू गो, राइट। सो नाउ लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। Okay, this problem has been asked in Indian Forest Services Indian Forest Services का mains का question है, year मुझे ध्यान नहीं, but it was asked in Indian Forest Services mains paper. Please read the question very carefully. I am reading for you guys. The reading TA and TB for degree Celsius thermometer A and B graded at ice point 0 degree and steam point that is 100 degrees are related by the equation. देखिए दो thermometers आपके सामने, दोनों ही degree Celsius में temperature measure करेंगे एंड बोथ आर ग्रेडेड एट टू पॉइंट, दैट इज आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेडिंग का मतलब एक तरह से सेटिंग होता है, मतलब कि ए और बी थर्मामीटर्स को हमने सेट कर लिया एट जीरो डिग्रीज एंड हंड्रेड डिग्रीज, मतलब ए और बी की रीडिंग्स एट जीरो डिग्रीज एंड एट हंड्रेड डिग्रीज आर सेम, यस। ये हमने दो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट ले लिए, बिकॉज एट दीज टू पॉइंट द रीडिंग्स ऑफ द टू थर्मामीटर्स आर सेम, और इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है आपको। So T is equals to L plus M times TB plus N times TB square, where L, M and R arbitrary constants. Fine. आगे क्या दे रखा है? When both are immersed in air, A reads 51 degrees and B reads 50 degrees. So you have to determine the reading A when B reads 25 degrees centigrade. So आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कितने unknowns हैं? L, M और N. How many unknowns? 3. How many equations you require? 3 again. Okay. Now, do you have 3 conditions? बिल्कुल. देखो, एक तो 0 degree पे इन दोनों की reading same है, एक 100 degrees पे दोनों की reading same है, और तीसरी condition क्या है? When A reads 51 degrees, B reads 50 degrees centigrade. Do you have 3 conditions? Can you write 3 equations easily? Just substitute these values in TA and TB and get the values of L, M and N. तो क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना है? देखिए अब अटेम्प्ट जरूर करिएगा। नाउ सबसे पहले एट आइस पॉइंट लेट मी चेंज द पेन, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एट आइस पॉइंट क्या होगा? टी इज इक्वल टू टी बी इक्वल टू जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू गॉट? जीरो इज इक्वल टू एल प्लस एम इंटू जीरो प्लस एन इंटू जीरो स्क्वायर। सो व्हाट यू गॉट? एल इक्वल टू जीरो, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, TA is equals to TB is equals to 100 degrees Celsius. Fine. So what you'll get? 100 is equals to L plus M into 100 plus N into 100 square. So 100 is equals to L equals to 0. So 100M plus 10,000 N. You got second equation. Easy. Okay. Now, when TA equals to, क्या दे रखा है? 51 degrees, B reads 50 degrees. So, TA is equals to 51 degrees, TB equals to
50 degrees, put the values once again. So 51 equals to L plus M into 50 plus N into 50 square. Easy. So 51 equals to 0 hai L to 50M plus 2500 N. Third equation. Dekhiye. Clear hai? Can you solve the both the equations simultaneously? We have two unknowns M and N. Please calculate the values and get the answer. Solve these two values and get the answer. देखिए जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग यू विल गेट m इज इक्वल्स टू 1.04 यही आ रहा है एंड n इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2500 m इक्वल्स टू 1.04 n इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2500 ओके एंड l इक्वल्स टू 0 तो है ही पहले से नाउ Now can you deduce the temperature TB when T equals to 25 degree centigrade? क्या आप निकाल सकते हैं ठीक है So TB equals to 25 degree centigrade, then TA will be what? ठीक है So TA when TB is 25 degrees will be L0 है plus I am substituting the values of M and N also, ठीक है Plus M 1.04 into TB. TB कितना 25. माइनस 2500 इंटू टीबी स्क्वायर इज इट ट्रू ओके तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा टीए की वैल्यू 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड सो इट इज द आंसर दिस इज द आंसर फॉर टीए गॉट इट इस क्वेश्चन के एंड में मैं एक कमेंट लिखने को और बोला गया था कमेंट क्या है बहुत ध्यान से सुनना हालांकि हमने ए और बी थर्मामीटर्स को ग्रेड कर रखा था एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री पे मतलब बोथ द थर्मामीटर्स आर शोइंग सेम रीडिंग्स एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट दैट डज नॉट मीन कि बीच में भी वो सेम रीडिंग शो करेंगे आप ध्यान से देखिए जब टीए की वैल्यू 51 थी तो टीबी 50 था दे आर नॉट द सेम इवन हमने आंसर निकाला देखो जब टीबी दिखा रहा था 25 तो टीए क्या दिखा रहा था 25.75 तो दैट मीन्स इट इज नॉट द आइडियल गैस थर्मामीटर दे आर द रियल थर्मामीटर्स ओके सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते गैस हो सकते लिक्विड हो सकता है बट द थिंग इज दे आर रियल थर्मामीटर्स दे आर नॉट आइडियल गैस थर्मामीटर्स बिकॉज आइडियल गैस थर्मामीटर्स आर दोस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन तो यहां पर यही कमेंट लिखना है समझ आ गया क्या कमेंट लिखना है ठीक है बट दैट इज फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी के लिए आपको समझ आया कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के थ्रू ओके मेन थिंग वॉज टू एक्सप्लेन योर कंसेप्ट चलिए फाइन सो ये क्वेश्चन हो गया है नाउ लेट मी गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है A piston cylinder arrangement as shown below contains air at 250 kilopascals. ठीक है एक piston cylinder arrangement आपको दे रखा है as shown below at pressure equals to 250 kilopascals and 300 degree centigrade. The 50 kg piston has a diameter of 0.1 meter and initially pushes against the stops. Stops किस लिए होता है जिससे piston और आगे ना जा पाए तो अभी इस position पे इस situation में मतलब इस state पे गैस इज पुशिंग टुवर्ड्स द पिस्टन और पिस्टन क्या है पिस्टन इज पुशिंग टुवर्ड्स द स्टॉप्स तो आपको लगता है स्टॉप से एक रिएक्शन फोर्स आएगा बिल्कुल आएगा द एटमोस्फियर प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर ऑफ द एम्बियंट इज 20 डिग्रीज द सिलेंडर कूल्स एज हीट इज ट्रांसफर्ड टू द एम्बियंट सो यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर एट विच द पिस्टन बिगिंस टू मूव डाउन क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है मतलब क्या था इनिशियली प्रेशर वॉज दिस मच टेम्परेचर वॉज दिस मच ऑफ द गैस और पिस्टन जो है स्टॉप्स को पुश कर रहा था तो एक रिएक्शन फोर्स आएगा अब आपको वो टेम्परेचर निकालना है क्योंकि हीट लॉस हो रहा है ना एम्बियंट की तरफ तो आपको वो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया होगा ना 300 से कुछ और पहुंच गया होगा सो वो टेम्परेचर अब आपको निकालना है जब पिस्टन जस्ट बिगिन होना स्टार्ट करेगा टू मूव डाउन तो आपको लगता है उस सिचुएशन के अंदर
रिएक्शन फोर्स जस्ट जीरो हो जाएगा बिकॉज पिस्टन विल जस्ट लीव द कॉन्टैक्ट विद द स्टॉप्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके चलिए प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस प्रॉब्लम. ओके ट्राई जरूर करिएगा, पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जरूर करना है. चलिए देखिए ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना उनको, पहले वाला. ओके चलिए मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला देखिए ध्यान से. बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पिस्टन. ओके टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस. ओके अच्छा उससे पहले डायग्राम भी ड्रॉ कर दूं. डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था, डायग्राम कुछ नहीं है, सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. ये देखिए इस तरीके से. इस तरीके से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस तरीके से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर एक गैस फिल्ड है. फाइन इसके अंदर ये गैस फिल्ड है और ये स्टॉप्स हैं एंड पिस्टन इज एट दिस पोजीशन और ये वो उसको पुश कर रही है. ठीक है तो एक रिएक्शन फोर्स आएगा. नाउ आई एम ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पिस्टन, प्लीज लुक इट वेरी केयरफुली. एमजी फोर्स विल कम राइट, वेट ओके बाहर से एटमॉस्फेयर भी तो अपना फोर्स लगा रही हूं कि पी एटमॉस्फेयर इनटू ए. ओके नाउ ध्यान से देखिएगा, सिंस द पिस्टन इज पुशिंग द स्टॉप्स अपवर्ड डायरेक्शन सो व्हाट डू यू थिंक द रिएक्शन वेयर वुड कम, डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सो देयरफॉर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा दैट इज आर. इज इट क्लियर और नॉट? ओके और पिस्टन पे क्या एक और फोर्स आएगा? बिल्कुल अंदर गैस भी तो है उसका भी तो फोर्स आएगा. सो दिस इज द कंप्लीट एफबीडी ऑफ द पिस्टन. क्लियर हुआ एफबीडी बनाना? ओके नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन फोर्स बैलेंस. देखिएगा नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स तो एक ही दिखाई दे रहा है, पी इन साइड इंटू ए विल बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट इज पी एटीएम इंटू ए प्लस आर प्लस एम जी. गॉट इट? नाउ जस्ट थिंक, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जब पिस्टन नीचे जाना स्टार्ट करेगा देन इट विल लूज द कॉन्टैक्ट विद द स्टॉप्स. तो पिस्टन क्या करेगा? स्टॉप से कॉन्टैक्ट छोड़ देगा. उस वक्त आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. सो कैन आई फाइंड आउट फ्रॉम हियर फाइनल प्रेशर? बिल्कुल निकाल सकते हैं. देखो तो मैं पी इन साइड डैश लिख रहा हूं, डैश का मतलब होता है फाइनल कंडीशन. फाइन इज इक्वल्स टू पी एटमोस्फियर इंटू ए, आर विल बिकम जीरो प्लस एम जी. गॉट इट? तो यहां से आ जाएगा पी, चलो फाइनल लिख देता हूं. ओके सो पी फाइनल विल बी इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस एम जी डिवाइड बाई ए. क्लियर है? ये इक्वेशन आ गई. नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर ऑफ द फाइनल प्रेशर. सिंपल. ओके बट अगेन टेक केयर ऑफ द यूनिट्स. यस आप यूनिट्स को होमोजीनियस रखेगा. अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किलो पास्कल में रख रहे हैं तो मेक श्योर ये भी किलो पास्कल में कन्वर्ट होना चाहिए. फाइन नाउ फटाफट वैल्यूज रखते हैं. प्लीज डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बैकग्राउंड म्यूजिक, जो भी कुछ आ रहा है ना दैट आई कैन नॉट अवॉइड, है ना. सो वो तो आएगा ही आएगा बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर पाए इस चीज को. फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप सॉल्व करिए. तो पी फाइनल कितना आ रहा है? 100 प्लस एम 50 था ना एम, मास ऑफ द पिस्टन एम जी डिवाइडेड बाई ए, एरिया ऑफ द पिस्टन. पिस्टन सर्कुलर होता है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डायमीटर 0.1 था. देखो सही है क्या? सही है पक्का? नहीं, मैंने कहा था यूनिट्स को होमोजेनस रखो. ये किलो पास्कल है ना, तो क्या यहां से किलो पास्कल आ रहा है? पास्कल, ये पास्कल में आ रहा है, ध्यान रखो. ये न्यूटन है एम जी डिवाइड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज पास्कल कन्वर्टेड इनटू किलो पास्कल बाय डिवाइडिंग बाय 1000. सो ये भी करना पड़ेगा, अब आंसर सही आएगा. नाउ यू विल गेट द परफेक्ट आंसर. क्या आंसर आ रहा है बाय द वे सॉल्व करके? यस आंसर शुड कम पी फाइनल
will be equals to 162.4524 kilopascals, isn't it? Please use the calculator very wisely and get the answer. ठीक है, so ये P final आ गया. Now जब तक stops अब आपका जो piston है वो ऊपर ही है, मतलब इसके contact में, देखो ये देखो, initially piston यहां था और एट द फाइनल कंडीशन जिस पे क्वेश्चन पूछा गया तब भी पिस्टन क्या यहीं पर है? बिल्कुल यहीं पर है. तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है? यस, वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है. सो एट वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या लिख सकता हूं मैं? पी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल अपॉन टी फाइनल. सही बात, फाइन. सो पी इनिशियल कितना था? अंदर का गैस प्रेशर क्या था? 250. Yes, it was 250 upon what was the initial temperature? 300 degree Celsius. Make sure to convert into Kelvin. Kelvin में जरूर convert करना है क्योंकि PV is equal to MRT जब लगाते हैं तो temperature Kelvin में ही होता है. Okay. So 300 को 300 plus 273 करेंगे 573. आप 0.15 को neglect कर देना, ठीक है? That is very insignificant in with respect to 273. So error will be very very less, almost nil. एंड डोंट वरी, बुक्स में भी यही किया जाता है, 0.15 को निग्लेक्ट किया जाता है. और पी फाइनल क्या आ रहा है? 162.4524 दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. देखो, और टी फाइनल अपने को निकालना है. सो टी फाइनल निकाल लीजिए, यहां से किस में आएगा? केल्विन्स में आएगा. तो आ रहा है ये क्या? 372.341 केल्विन्स, इजंट इट? 372.341 केल्विन्स ये आ रहा है. एंड टी फाइनल मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में क्या आएगा? -273 कर देंगे अपन. सो इट विल बी 99.341 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर कम हुआ ना, क्योंकि इनिशियल 300 था तो हीट लॉस हो, उसके बाद टेम्परेचर कम होगा. देखो ये फाइनल टेम्परेचर ही आ रहा है, इजंट इट? करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का. ओके, ग्रेट. सो क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एफबीडी कैसे बनाते हैं? आई होप इट्स क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व एन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज. बेसिकली इट्स एन असर्शन रीजन क्वेश्चन, अटेम्प्टेड वेरी केयरफुली बिकॉज आपको ये होना चाहिए, आपसे अटेम्प्ट होना चाहिए बिकॉज इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम कर लिया है, इसीलिए आपसे अटेम्प्ट होना चाहिए. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू. आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड नाउ, दिस इज दी आर क्वेश्चन नेक्स्ट. ये देखिए क्वेश्चन, फाइन, लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इट्स हैज बीन आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज. सो इट्स एन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. आपको ऑप्शंस तो पता है ना असर्शन रीजन के क्या होते हैं? ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, ऑप्शन ए होता है असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बी ऑप्शन होता है असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन सी होता है असर्शन करेक्ट रीजन रॉन्ग, एंड ऑप्शन डी होता है असर्शन रॉन्ग एंड रीजन करेक्ट. गॉट इट? सो प्लीज रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. असर्शन पढ़िए, क्या बोल रहा है? इफ एन एल्कोहल एंड अ मर्क्यूरी थर्मामीटर रीड एग्जैक्टली एट 0 degree एंड 100 degrees एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स is divided into 100 equal parts in both thermometers, then the two thermometers will give exactly the same reading at 50 degrees. Assertion clear हुआ? दो thermometers आपके पास में alcohol और mercury, they both read exactly the same reading at 0 degree and 100 degree. मतलब हमने इन दोनों temperatures पे इनकी grading कर दी. These are the two reference points for the two thermometers and the distance between the two रीडिंग्स इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स फॉर द बोथ द थर्मामीटर्स. तो इसी वजह से क्या होगा? दो थर्मामीटर्स विल गिव द एग्जैक्टली द सेम रीडिंग एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द असर्शन. एंड व्हाट इज द रीजन? टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी. टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी. नाउ थिंक द आंसर क्या होगा? ए बी सी और डी. हिंट मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी इस क्वेश्चन का. यस, आप में से कुछ लोगों का आंसर सही आया होगा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी.
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब एसर्शन इज रॉन्ग। देखिए एक अल्कोहल है और एक मर्करी है, दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो अगर बाय उनको अगर हमने 0 डिग्री 100 डिग्री पे रीडिंग सेम भी कर दिया, बट दैट डज नॉट मीन कि उनकी रीडिंग इन बिटवीन भी सेम आएगी हर बार। और आपको ध्यान है हमने IFS का क्वेश्चन लगाया था, ए और बी थर्मामीटर्स थे, उनकी रीडिंग एक की 51 आ रही थी, एक की 50 आ रही थी, और दूसरी बार हमने आंसर भी निकाला था तो ए की रीडिंग 25.75 थी जबकि बी की रीडिंग 25 थी। सेम थी क्या दोनों की? नहीं, जबकि हमने दोनों को 0 डिग्री और 100 डिग्री पे सेट कर रखा था। यहां भी तो कुछ ऐसी हो रहा है। ओके, तो उसी बेसिस पे क्या किया इन्होंने, यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज में आंसर फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, द बेसिस वॉज दैट क्वेश्चन ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहां से वो पता लग रहा है आइडियल गैस थर्मामीटर नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कंस्ट्रक्शन एज वेल। एल्कोहल मर्करी दे हैव देयर ओन कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, राइट? सो दे विल बोथ गिव डेफिनेटली गिव द डिफरेंट रीडिंग्स। ओके, और वैसे बाय द वे मर्करी क्यों यूज करते हैं? बाय द वे मर्करी क्यों यूज करते हैं हम लोग? अल्कोहल या और कोई पानी क्यों यूज कर लेते? देखिए मर्करी की बहुत अच्छी खासियत होती है, और आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, द रीजन इज एग्जैक्टली द सेम वाई यू आर यूजिंग मर्करी इन मैनोमीटर्स। क्यों? बिकॉज मर्करी एग्जर्ट्स नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर। गॉट इट? अगर मर्करी अपनी तरफ से प्रेशर लगाने लग जाए सो द टेम्परेचर एक्चुअल विल बी लेस एज कम्पेयर टू दी, मतलब जो टेम्परेचर वो शो करेगा दैट विल बी लेस देन दी एक्चुअल टेम्परेचर, क्योंकि उधर से फोर्स आएगा ना अपोजिट मर्करी के वेपर प्रेशर से। सो देयर फोर मर्करी यूज करते हैं बिकॉज इट एग्जर्ट्स जीरो वेपर प्रेशर, जबकि जो एल्कोहल है एल्कोहल रेडिली वेपोराइज होता है, तो एल्कोहल वेपर प्रेशर लगाएगा, इसलिए एल्कोहल यूज करना वाइज नहीं रहता वाइज। और पानी की यूज नहीं करते, देखो पानी सिंपल सी बात है, पानी दिखता नहीं है, पानी में एक केस में हमें रीडिंग दिखेगी नहीं, और दूसरे पानी भी वेपोराइज होता है, पानी भी चांस होता है उसका वेपोराइज होने का। सो देयरफॉर वी आर यूजिंग मर्करी एज आवर फ्लूइड इन टू द थर्मामीटर। गॉट द आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, सो ये हमने क्वेश्चन लगा लिए, आई होप यू हैव गॉट द आंसर करेक्ट। सो नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर एंड ऑल, तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं जो कि है यस एनर्जी इंटरैक्शन। तो टेम्परेचर की बात होगी, अब हम एनर्जी की बात कर लेते हैं और फिर हम लोग फर्स्ट लॉ की तरफ मूव कर जाएंगे। सो देखिए देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मेनली हम लोग थर्मो में वर्क और हीट से डील करते हैं। और वर्क क्या होता है? वर्क वेक्टोरियल हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल गिव यू द वर्क। वैसे वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम विथ द sole effect on things external to the system when it gets reduced to the raising of weight। मतलब कोई भी अगर आप सिस्टम लेते वो तब वर्क करेगा एक्सटर्नल थिंग पे जब उसको आप हटा दें एक्सटर्नल थिंग को और आप उसकी जगह यदि पुली सिस्टम लगा दें और उस पर वेट लगा दें, सो इट गेट्स रिड्यूस टू द रेजिंग ऑफ वेट। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम कह देंगे कि वर्क हो रहा है सिस्टम से, अदरवाइज वर्क नहीं हो रहा। सो द वेट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहां पर वेट एक्चुअली रेड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप इमेजिन भी कर सकते हो कि कोई अगर मैं वेट लूं तो क्या वो उसमें क्षमता है कि वो वेट को रिड्यूस कर दे या राइज कर दे। ओके, मतलब वेट के लेवल को ठीक है। अब इसको हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो एक ही ले रहे हैं, हम बैटरी मोटर और फैन, सिर्फ हमारा सिस्टम अलग अलग हो जाएगा। देखो पहले केस में हमारा सिस्टम क्या है? बैटरी ही है। आई हैव ड्रॉन अ बाउंड्री, कैन यू लुक एट इट? ये मैंने बाउंड्री ड्रॉ करी, मतलब ये सिस्टम हो गया मेरा, सिर्फ बैटरी सिस्टम है। बैटरी इज कनेक्टेड टू द मोटर एंड मोटर इज कनेक्टेड टू द फैन। सो व्हाट विल हैपन? बैटरी विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक वर्क टू द मोटर, राइट? इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स की वजह से ही घूमने लग जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा, मोटर की से कनेक्टेड है डायरेक्टली फैन विद द हेल्प ऑफ अ शाफ्ट। ओके, तो फिर आप जैसे बैटरी को मैं सिस्टम मानता हूं, तो बैटरी क्या कर रही है? मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। तो क्या यह वर्क हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यहां वर्क हो रहा है। सिस्टम क्या है हमारा? बैटरी। अगला केस देखते हैं,
अगले केस में क्या किया मैंने, इस केस में मैंने अपना सिस्टम को थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया। अब इस बार मैंने मोटर को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अगेन यहां पर क्या होगा, बैटरी मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी देगी, ठीक है, फिर मोटर उसको मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। अब यदि आप यहां पर इमेजिन कर ले वेट को, बिकॉज हियर इट इज अ शाफ्ट, अगर आप फैन हटा गए इसी शाफ्ट पे अगर आप पुली लगा दें, पुली पे वेट रख दें, तो क्या वो वेट रेज होगा? बिल्कुल होगा। सो वर्क इज अगेन डन ऑन सिस्टम, बाय द सिस्टम, सॉरी। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसको देखिए, यहां पर मैंने सभी को सिस्टम ले लिया, बैटरी को भी, मोटर को भी और फैन को भी। देयर इज नथिंग एक्सटर्नल टू द फैन, ओके। अल्टीमेट हमारा आउटपुट क्या है? फैन। लेकिन अगर मैंने उसको भी सिस्टम में काउंट कर लिया, अब बताइए यहां वर्क हो रहा है क्या? बैटरी ने मोटर को इलेक्ट्रिक आउटपुट दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, वो कन्वर्ट किया किसने? फैन के रोटेशनल वर्क में। बट क्या फैन से आगे सिस्टम आगे कुछ जा रहा है, मतलब किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? बिकॉज आई हैव टेकन दिस एज अ सिस्टम। नाउ इज देयर एनी थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम? नथिंग। तो क्या कुछ वर्क होगा? नहीं, इस केस में वर्क नहीं होगा। सो सिस्टम पे भी डिपेंड करता है हमारा क्या है। तो आप समझ आए वर्क कैसे, कब होता है वर्क, कब नहीं होता? इट डिपेंड सोलली ऑन द सिस्टम व्हाट यू हैव टेकन। एंड बिलीव मी, जब हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो हम सिस्टम जरूर बोलेंगे कि हमारा ये सिस्टम है। फर्स्ट लॉ लगाएंगे, या फिर फर्स्ट लॉ मतलब क्लोज सिस्टम के लिए भी, और यदि हम ओपन सिस्टम के लिए भी लगाएं, मतलब फ्लो प्रोसेस के लिए, तो भी हम अपना सिस्टम जरूर डिफाइन करेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप कन्वेंशनल में भी सिस्टम डिफाइन नहीं करेंगे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बिकॉज इक्वेशन बदल जाती है जब आप सिस्टम डिफाइन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टेक केयर ऑफ इट, ओके, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ओके, नाउ लेट्स टॉक टू दी, लेट्स टॉक अबाउट साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं। नाउ साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये आप लोग वैसे भी जानते भी होंगे। जैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो नेगेटिव लेते हैं, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं ना माय डियर, तो होता यह है कि हमारी कैपेबिलिटी थी सिस्टम को हम कंप्रेस करें, मतलब उसका वॉल्यूम को हम रिड्यूस करें, ओके, इसीलिए वर्क हो जाता है नेगेटिव ऑन द सिस्टम। और वर्क डन यदि सिस्टम खुद कर रहा है तो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सपैंड करे, वॉल्यूम इंक्रीज कराए और वो वर्क दे एक्सटर्नल टू द सिस्टम को, राइट। सो देयरफॉर इसमें क्या आता है, वर्क पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नाउ विल बी गोइंग टू टाइप्स ऑफ वर्क, ओके, इस वीडियो में आई एम एंडिंग टिल हियर, ओके, अदरवाइज इट विल स्ट्रेच फॉर टू लॉन्ग। अगले वीडियो से मैं बताऊंगा वो टाइप्स ऑफ वर्क, एंड वील ऑल्सो डिराइव द फॉर्मुलेज फॉर वर्क फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस। टिल हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।